एमपी पुलिस के रिश्वतखोर आरक्षक को महिला ने सबक सिखा दिया। आरक्षक पहले ही 40,000 रुपए ले चुका था और 15,000 और मांग रहा था। यही नहीं, वह बदसलूकी पर उतर आया तो महिला उसका गिरेवा पकड़कर सड़क पर ले आई। लोग जुट गए और कांस्टेबल का तमाशा बन गया। पुल खुलते देख आरक्षक हाथ जोड़ने लगा। इस बीच किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल कर दिया। बाद में पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को पुराना निर्देश फिर याद आ गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। देर शाम इसके निर्देश भी जारी हो गए। मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल लेकर निकले अधिकतर कांग्रेस विधायकों को बीच रास्ते में व्यापम के पास साइकिल से उतरना पड़ गया। चढ़ाई होने की वजह से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी साइकिल से उतरकर अपने वाहन से विधानसभा गए। कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल लेकर लौट आए। बीजेपी चोरी का दाग धुलवाने के चक्कर में एक जेई खुद दागदार बन गया। मामला बिजली कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल के पूर्व संभाग क्रमांक 2 की है। यहां पदस्थ जेई ने बिजली चोरी के मामले को रफा दफा करने के लिए आरोपी के बेटे से 10,000 रुपए की घूस मांगी। 5,000 रुपए उसने 3 दिन पहले ले लिए थे। इंदौर और भोपाल में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 61% तो इंदौर और भोपाल में ही मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 104 और भोपाल में 76 पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राजधानी भोपाल के कोकता ट्रांसपोर नगर स्थित नए आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भोपाल आरटीओ संजय तिवारी के साथ अत्याधुनिक तरीके से बने नवीन आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष गिरीश गौतम सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा के पितृपुरुषों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन बयान देते हुए कहा कि विपक्ष एकजुटता के साथ बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे को पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेसी विधायक पीसी शर्मा द्वारा साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चुटकी ली है। उन्होंने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ही 15 महीने की सरकार में हवाई जहाज से घूमे और अब साइकिल चलाकर नौटंकी कर रहे हैं। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा सहित उनके परिवार के सदस्यों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा 4 दिन से चल रही छापे की कार्रवाई रविवार को पूरी हो गई। टीम ने रविवार को डागा के सोलापुर स्थित प्लांट से 8,50,00,000 रुपए नगद सीज किए।